क्या करेंगे, नेट इसका 10 है, ठीक है। यहाँ से सीधा कर लेंगे, आर्मोल कितना है 17। अब इसको हम कटिंग करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। ये नया मॉडल वाला तो है एक बार, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो मालूम पड़ता क्या मॉडल है, ठीक है। हर चीज़ का कटिंग अलग अलग रहता है, पूरा कटिंग में बहुत अच्छा अच्छा डालते रहता हूँ, ठीक है। ये मॉडल बहुत कम लोगों को ही जानकारी है, मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देखिए, कटिंग सीख जाओगे। इसको अपन ऐसा करके यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। ये डिज़ाइन बहुत कम लोगों को जानकारी है, मैं इसको स्टिचिंग करके भी बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा कटिंग रेडी हो गया, ठीक है। अब हम ये स्लिप से कट कर रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, इसका लेंथ है 17 है, तो अपन 17 पे फर्स्ट निशान डाल दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 17 इंची लेंथ है, 17 इंची हो गया, इसको हम फिर 4 इंची पे निशान डाल दिए, ठीक है। दो निशान डाले, अभी हम एक बार और बता रहे हैं, ये दो निशान हो गया हमारा रेडी, ठीक है। लेकिन इसको जो है हैंड से थोड़ा डिफरेंस वाला है, डिफरेंस वाला हैंड से है, तो इसका आर्मोल है 17, तो ये 17 आ रहा है, ठीक है। ये निशान डाल दिए, लूजिंग है 10.5, तो 10.5 हम रख दिए, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, हैंड से मेड मॉडल है, मॉडल है तो 17 इंची है। उसके बाद यहाँ पर हम 3 इंची एक्स्ट्रा कर दिए, 3 इंची एक्स्ट्रा करने के बाद इसको इस तरह से मार्किंग डालिए, इस तरह से। ऐसा मार्जिन डालने का रीजन क्या है आपको हम बता देते हैं, ये अब हो गया। उसके बाद फिर ऐसा एक निशान डाल दें, ये हमारा हैंड्स का 1 2 3 4 फोल्ड करके ऐसा रख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा रख देना, ठीक है। उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे, इसका कमर है 47 है, तो यहाँ 47 पे रख दिए, ठीक है। इसको अब हम इस तरह से